हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आप लोगों के बहुत इंतजार और डिमांड के बाद सेल ओसीटी का मॉक टेस्ट जो है पब्लिश हो चुका है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे। तो ट्यूटलेज एकेडमी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके मॉक टेस्ट को ज्वाइन करके आप 15 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मॉक टेस्ट में क्या क्या रहेगा और आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट जो है इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, सिर्फ आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, जिसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों रहेगा और फुल लेंथ टॉपिक वाइज टेस्ट दोनों रहने वाला है। आप ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे जाएंगे तो ये आपको पोस्टर दिखेगा, इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस जो है वो रखा गया है, जो कि आपको सिर्फ ये मॉक टेस्ट का 249 रुपीज रखा गया है। तो इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और टॉपिक वाइज टेस्ट है टेक्निकल का, और फुल लेंथ टेस्ट में टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों है। और एक चीज़ बता दूँ, इसका मीडियम जो है हमारे पास सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी वर्जन आप खोजेंगे तो अभी फिलहाल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं कोर्स का फीचर्स क्या है, टेस्ट सीरीज का फीचर्स क्या है, कितना टेस्ट है। टॉपिक वाइज आपको 10 टेस्ट मिलेगा। ठीक है, जिसमें 10 टेस्ट में हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, जो 500 क्वेश्चन रहेगा टोटल टेक्निकल का इसमें। और टेक्निकल का फुल लेंथ टेस्ट जो रहेगा ये भी 5 रहेगा, जिसमें 250 क्वेश्चन टोटल मिला के रहेगा, एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेगा। थर्ड नंबर पे आता है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, जैसे सेल ओसीटी का एग्जाम पैटर्न है, कंबाइन एग्जाम हो रहा है 2024 का, जितने सेल का ब्रांच है भिलाई राउरकेला दुर्गापुर इसको उस सब का कंबाइन एग्जाम हो रहा है, और इस सभी के लिए टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो सेल का एग्जाम पैटर्न है 50 टेक्निकल 50 नॉन टेक्निकल, निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 एंड 0.25 मार्क्स, तो उस पैटर्न पे आपके 5 टेस्ट जो डिजाइन किया गया है, जो कि 100 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में रहेगा, और इसमें 90 मिनट का टाइम रहेगा जैसे एग्जाम पैटर्न में दिया है, तो टोटल 500 क्वेश्चन हो जाएगा। तो टोटल टेस्ट जो है 20 टेस्ट अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से 1250 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, अगर आके पॉसिबल होगा, जैसे एग्जाम बहुत जल्दी आ गया, टाइम हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है, और 15 दिन से भी कम आज का भी दिन समझ जाए कि निकल ही गया, तो अगर पॉसिबल होगा तो इसके अलावा भी आपको टेस्ट मिलेगा। और नॉन टेक का टेस्ट जो है इसमें ऐड करेंगे, नॉन टेक्निकल का, जैसे जीके जीएस करेंट अफेयर का, और भी टेस्ट ऐड करेंगे अगर टाइम रहा और पॉसिबल रहा तो। और नॉन टेक्निकल का सिर्फ जो टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 2-3 दिन में सिर्फ नॉन टेक्निकल का भी अलग से जो टेस्ट है 2 दिन में वो भी पब्लिश हो जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दूँ कि मीडियम जो है टेस्ट का सिर्फ इंग्लिश में है। ओके, और तो आप भी बताता हूँ इसके बाद कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है टेस्ट के थ्रू। प्रिपरेशन जो है लास्ट टाइम में आप टेस्ट के थ्रू ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लास्ट टाइम में आपके पास 12 दिन 15 दिन जब भी बचा है, मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं 12 दिन ही बचा हो, तो उसमें कैसा करना आपको बताया था कि सिर्फ MCQ आप सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके MCQ। आप कोर्स ज्वाइन किए हैं तो भी वहाँ से MCQ देखिए, वीडियो MCQ का PDF देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। हर एक टॉपिक एक ही सब्जेक्ट कीजिए, और एक सब्जेक्ट के बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो सिर्फ मॉक टेस्ट से आपकी प्रिपरेशन जो है कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन हो सकती है। तो याद रखिएगा, इस ये मत सोचिएगा कि पहले 5-10 दिन में पूरा सिलेबस को ख़त्म करता हूँ फिर मॉक टेस्ट ज्वाइन कर मॉक टेस्ट देना शुरू करूँगा, तो वैसे नहीं हो पाएगा। 2-4 आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे और फिर एनालिसिस करने और उसको सुधार करने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए हर एक सब्जेक्ट के साथ आप मॉक टेस्ट देते रहिए, और फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट से पूरा मॉक टेस्ट अगर आप देकर जाते हैं, अच्छे से एनालिसिस करने के जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, आप खुद बताएंगे मुझे। ओके, और बाकी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो चैट पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कम से कम में ज़्यादा मार्क्स आप मॉक टेस्ट से ले सकते हैं, तो मॉक टेस्ट जरूर आप सभी लोग ज्वाइन करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। लाइव क्लास जो MCQ चल रहा वो चलते रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।